CYM, अब इसका मतलब क्या हुआ? CYM ये नाम तो बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन चलिए जो इनका सवाल है, पहले तो आपके लिए अभिवादन लिखा है इन्होंने, और ये पूछना चाहते हैं कौन सा शेयर है? मिधानी, मिधानी के बारे में बताइए, लिया हुआ है 193 में। मिधानी समझ में आया आपको? हाँ, समझ में तो आ गया। मिश्र मिश्र धातु निगम। उन्हीं को मिधानी मिधानी कहता है। बहुत तड़पाया इसने भी, एक्चुअली सब स्ट्रक्चर इसका प्लेस में था। सच पूछो तो मैं भी थक हार गया था कि कम से कम मार्केट चल रहा है, अभी तो रिजल्ट देना कभी ना कभी। लेकिन फाइनली रिजल्ट दिया इसने भी, बिकॉज डिफेंस अपने आप में ही पूरा फेवरेट हो गया और बहुत समय से चला नहीं। लेकिन यही चीज है कि ऐसे मार्केट में ध्यान दीजिएगा, सब आपका जो भी नाम है, ऐसे मार्केट में वैल्यूएशन को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट दें। फैंसी तो क्रिएट होता है, आप 2021 के अक्टूबर नहीं में तो भी इनका देख, सवाल यही है ना कि इसकी उड़ान अभी और है या थक चुका? कौन जाने। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वैल्यूएशन मुझे नहीं समझते यहाँ पे। 193 पे खरीद के बैठे हुए हैं, खरीद भाव इनका देखें तो कहाँ, मतलब बहुत बढ़िया भाव पे इन्होंने खरीदा है, कहीं पे ब्रेकआउट से भी पहले शायद इन्होंने ले लिया हो, तो अब क्या मतलब हो गया बहुत या? नहीं, जब तक इसका क्या है, अभी साइकिल तो शुरू ही हुआ है। अगर साइकिल शुरू हुआ है तो इसके मल्टीपल लेयर्स बचेंगे, लेकिन है कि हर साइकिल के बीच में कंसोलिडेशन होता है, करेक्शन होता है, ये सब कुछ चलता है। मेरा ऐसा अंदाजा है कि शायद ये वाला साइकिल एक हो जाना चाहिए। कोशिश करते हैं इसको समझने की। 400 के ऊपर इसका साइकिल हो जाएगा। करीब करीब अभी कितना चल रहा है, 370। तो यहाँ से 10-15% का तो रेंज हो सकता है साइकिल कंप्लीट होने तक, लेकिन वो तब तक ध्यान देना है। ये ब्रेकआउट है तो ध्यान रखिएगा आप। मेरे पास यही है, एक ही चीज मैं कह सकता हूँ कि 325 के नीचे अब बहुत दूर है, लेकिन जो दिख रहा है इतने ऐसे हाइट में जो जाएगा वही देखना पड़ेगा। आपका पोजिशनल है इसलिए कह रहा हूँ कि ये 325 के नीचे कॉशन, बिकॉज जो मोमेंटम है वो खत्म, और 300 के नीचे जो ट्रेंड है वो खत्म। जब तक वो नहीं होगा, हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में माइनर कूल ऑफ होके और 350 के आसपास आके वहीं से वापस मुड़ जाता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो जी बहुत आया भी तो 350 आके मुड़ जाएगा, लेकिन 325 के नीचे कॉशन एंड 300 के नीचे करेक्शन, ये मुझे देख के समझ में आता है। साइकिल अभी हो सकता है खत्म ना हुआ हो, बाकी आप रिजल्ट देखते रहिए। जी तो यहाँ पे जो आपका सवाल है कि क्या ये थक चुका है या अभी और उड़ान बाकी है, तो उड़ान शब्द जैसे आपने कहा उड़ ही रहा है, दिख रहा है सामने चार्ट में, लेकिन मतलब चार्ट पे अभी कोई थकान दिख नहीं रही है, लेकिन सावधानी कहाँ पे रखनी है? सावधानी इस लिहाज से कि आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहे, आपने अच्छा पैसा बनाया है, बधाई शुभकामनाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो जितना पैसा कमाया वो सब बस पुरानी यादों में बना रहे, वो पैसा आपके घर भी आना चाहिए, तो उसके लिए आप ध्यान रखिए 325-30 के आसपास और 300 के आसपास, ये दो लेवल आपको सोमेश जी ने बताए हैं, इनका ध्यान रखिए कि अगर इनके नीचे आने लगे कभी तो फिर आपको जो आपके मन में संदेह है आप उसकी पुष्टि मान लीजिएगा कि हाँ वो बात सच हो रही है।